पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अरुण जेटली का निधन हो गया है। उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में आज 12:07 पर आखिरी सांस ली। अरुण जेटली को 9 अगस्त को एम्स में भर्ती किया गया था। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और तभी से वो लगातार लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। महज 1 महीने के भीतर सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जैसे नेता का जाना बीजेपी के लिए बड़ी क्षति है। अरुण जेटली पीएम मोदी के करीबी नेताओं में से एक थे। मोदी सरकार 1 में वो दूसरे नंबर के नेता थे और मोर्चे पर संकट मोचक की तरह सरकार के साथ हमेशा खड़े रहते थे। अरुण जेटली के निधन पर पीएम मोदी ने अपनी संवेदना व्यक्त की, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह अपना हैदराबाद दौरा रद्द कर सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अरुण जेटली बीजेपी के उन नेताओं में थे जो दिल्ली की राजनीति को निर्धारित करते थे। दिवंगत बीजेपी नेता सुषमा स्वराज के साथ उनके संबंध बेहद खास थे। कुदरत की व्यथा देखिए कि उनके आखिरी 2 ट्वीट में भी सुषमा का ही जिक्र था। अरुण जेटली ने 6 अगस्त को अपने आखिरी 2 ट्वीट किए थे। उनमें से एक में उन्होंने महान संत तुलसीदास को नमन किया था, तो वहीं दूसरे ट्वीट में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया था। जेटली ने अपने ट्वीट में कहा था कि वो सुषमा स्वराज के अचानक चले जाने से बेहद दुखी हैं और टूट गए हैं। आपको बता दें कि अरुण जेटली ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से छात्र नेता के तौर पर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। जेटली सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील भी थे। उनकी गिनती देश के बड़े वकीलों में होती। जेटली अटल बिहारी सरकार में भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे।